हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सिलॉक्स को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में न्याय निगम कहते हैं। इससे आने वाले क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में 4 से 5 होते हैं। किसी किसी एग्जाम में आपके अभी देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्रीकल्चर टेक्नीशियल का जो जॉब हुआ था, वो पेपर हुआ था, उसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछा था। और वही वीडियो में इससे 3 क्वेश्चन पूछे थे और मंडी परिषद में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन थे, किसी किसी सेट में 4 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल देखा जाए इसकी एनालिसिस, सिलोगिज्म से आने वाले क्वेश्चन आपके 4 से 5 तो रहेंगे, ये आप 4 से 5 सिलॉक से रहेंगे। अब इस सिलॉक्स में जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना है, ठीक। सिलॉक्स का जो मीनिंग होता है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि आपको जो कथन में दिया है उसी को सही मानना है और उसी के बेसिस पे आपको कॉन्क्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। न्याय इसीलिए बोला जाता है कि आपको न्याय करना है, कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, जैसे आप वकालत देख लीजिए, जज को जितना वकील बताएगा उसी के बेसिस पे, चाहे वो सही बताए वकील, चाहे वो गलत बताए, उसी के बेसिस पे वो अपना फैसला सुनाएगा। अगर सामने वाला मुस्लिम भी होगा और आपको वकील बोलेगा ये मुस्लिम नहीं है और उसके सभी प्रूफ उसके साथ रहेंगे, तो वो जज जो है अपना फैसला ये नहीं कहेगा कि नहीं ये मुस्लिम है, वो जानते हुए भी उससे कहेगा कि ये दोषी नहीं है, उसे बरी कर देगा। सेम यहां भी आपको वही फंडा अपनाना है कि सिलॉक्स में जितने जो कथन आपको दिया हो उस कथन पे अमल करिए, उसी कथन को सही मानिए, चाहे वो गलत भी हो आपके जनरल थिंकिंग से, उसी कथन को सही मानिए और निष्कर्ष पे उसी के हिसाब से निष्कर्ष को निकालिए। चलिए हम देखते हैं, सिलॉक्स में बेसिकली 4 टाइप के स्टेटमेंट पूछता है। पहला जो आपका स्टेटमेंट होता है वो होता है ऑल, दूसरा होता है सम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुछ, पहला ऑल सभी, तीसरा आपका सम नॉट, और चौथा आपका नो। ठीक, इसी 4 से स्टेटमेंट बनते हैं और इन्हीं 4 को मिक्स करके आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। एक एक करके हम देखेंगे, ऑल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ऑल से किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे स्टेटमेंट और क्या कंक्लूजन बन के आपके सामने पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक, ऑल में एक स्टेटमेंट लेते हैं, एक कथन लेते हैं। इस कथन में दिया गया है कि ऑल सभी ए, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। आप जनरल सोचोगे अल्फाबेट्स में कि ये दोनों अल्फाबेट्स हैं, ए ए है और ये बी है, तो सोचो कहोगे अरे कैसे पूरे का पूरा ए बी थोड़ी होता है, ए अलग है और बी अलग है। यहां कहने का मतलब है कि ए एक आइडेंटिटी है, पूरा का पूरा ए बी हो गया। ठीक, तो इसे हम करेंगे वेन डायग्राम मेथड से। वेन डायग्राम एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो ट्रेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, कुल मिला के एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी हिसाब से हम इसे करेंगे। उससे हमारे जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम के, वो आसानी से आ जाते हैं। अब बोला कि ऑल ए आर बी, इसका आपका वेन डायग्राम क्या बनेगा, क्या सोच के बनाओगे? तो पहला आपका दिमाग में आएगा कि एक ए कोई आइडेंटिटी है, वो पूरा का पूरा क्या है, बी है। एक डायग्राम ये बन गया। और एक और बनाओगे, सोचोगे कि जो हमारा ए है, जितना ए है उतना ही बी है, मतलब ए और बी की सर्किल दोनों एक पे ओवरलैप होगी। इसमें हम 2 डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा बेसिक डायग्राम, ठीक है, और एक होता है हमारा एडजेसेंट डायग्राम। बेसिक डायग्राम ये होता है कि हम मिनिमम ओवरलैपिंग का बनाए, जितना आपके क्वेश्चन में बोला जाए उतना बनाए, और एडजेसेंट होता है कि आप उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग करा सको। ठीक, अब इस स्टेटमेंट आपको दिया है, इससे रिलेटेड आपके कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं मैक्सिमम, वो हम देखते हैं। पहला कॉन्क्लूजन, तो वही जो स्टेटमेंट पे अगर दिया है और सेम टू सेम कॉन्क्लूजन में आ जाए आपका कि ऑल ए आर बी, उसके बाद सेकेंड कॉन्क्लूजन आपका निकले कि ऑल
बी आर ए, तीसरा आपका सम ए आर बी, फोर्थ सम बी आर ए, फाइव नो ए इज बी, सिक्स नो बी इज ए, सेवन सम ए सम ए इज नॉट बी, एट सम बी इज नॉट ए। जितने मैक्सिमम आपके कॉन्क्लूजन एक स्टेटमेंट के निकल सकते हैं उतने मैंने आपको लिख दिया है। कितने होंगे? आठ होंगे। अब इन आठों को चेक करते हैं कि कौन सा कॉन्क्लूजन इसके सही होंगे और कौन से नहीं सही होंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक। आपके जो पेपर आएंगे उसमें एक नहीं होगा। मैं एक आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पे ले आऊं कि अगर एक स्टेटमेंट है तो उसके मैक्सिमम कॉन्क्लूजन कितने निकल सकते हैं। ठीक, अगर आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें दो या तीन स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक, तो ये मैक्सिमम आपके कॉन्क्लूजन हो गए। इसको बारी बारी से चेक करते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा, कौन सा इस ग्राफ को फॉलो करेगा, इस डायग्राम को, कौन सा नहीं फॉलो करेगा। जैसे ऑल ए आर बी, जो स्टेटमेंट में दिया है अगर वही कॉन्क्लूजन में मिल गया तो वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वही कॉन्क्लूजन फॉलो करता है जो बोला जाता है कि निष्कर्ष कौन सा फॉलो करेगा, निष्कर्ष आपका वही फॉलो करता है, वही अनुसरण करता है जो इन दोनों डायग्राम, पहला डायग्राम और सेकेंड डायग्राम दोनों में फॉलो करे। अगर किसी एक में डायग्राम में गलत हो गया वो आपका कॉन्क्लूजन, तो वो कॉन्क्लूजन फॉलो नहीं करेगा, वो अनुसरण नहीं करेगा। जैसे ऑल ए आर बी, इसमें आपको दिख रहा है पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, और इसमें भी दिख रहा है ए इक्वल टू बी रखा गया है, तो इसमें भी आपका ऑल ए आर बी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए मतलब पूरा का पूरा बी ए होना चाहिए। इस डायग्राम में ऑल बी आर ए गलत हो गया फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है, आपका दूसरा कॉन्क्लूजन। और दूसरा कॉन्क्लूजन आपका इस वाले डायग्राम में कि ऑल बी आर ए, यहां पे ए इक्वल टू बी है तो इसे हम बी इक्वल टू ए भी बोल सकते हैं, तो इस वाले में ट्रू हो जाएगा। तो पहले में गलत हो गया और दूसरे में ट्रू हो गया, तो ये कॉन्क्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, देखिए ये बी आपका एक बड़ा वाला सर्किल है, उसमें में अंदर एक जब बी है उसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट, इतना पार्ट कौन लिया हुआ, ए। तो हम कह सकते हैं कि आपका कुछ ए बी है, ठीक, इस वाले डायग्राम में आपका सही हो गया तीसरा कॉन्क्लूजन। और तीसरा कॉन्क्लूजन इस वाले डायग्राम में देखें पूरा का पूरा ए बी है, तो कुछ ए बी बी होगा, ये इसमें भी ट्रू हो गया, तो ये कॉन्क्लूजन आपका दोनों में ट्रू है, तो ये कॉन्क्लूजन ट्रू होगा। सेम आते हैं सम बी आर ए में, देखिए इसमें क्या है, बी ज्यादा है, बी का कुछ पार्ट ए लिया हुआ है, तो इसमें भी ट्रू हो गया फोर कॉन्क्लूजन आपका। और फिफ्थ वाले में तो होगा ही होगा क्योंकि पूरा का पूरा ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ए भी बी होगा, तो इसमें ये भी ट्रू हो गया। अब आते हैं नो वाले केस में, देखिए नो में बोल रहा है कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। और पहले डायग्राम में हम चेक करें पांचवें कॉन्क्लूजन को, तो पूरा का पूरा ए ही बी है, तो इसका मतलब इसमें जो बोला था कि नो ए इज बी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इसमें भी सेम चीज, पूरा का ए इक्वल टू बी है, जितना ए है उतना ही बी है, और यहाँ बोला कि कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका पांचवा गलत हो जाएगा। अगर दोनों में गलत तो ये आपका कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम आप आइए नेक्स्ट पे, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। इस वाले डायग्राम में तो आपका नो बी इज ए, इसमें आपको देख रहे हो कि पूरा का ये जो बी है उसका कुछ पार्ट, इतना पार्ट ए लिया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बी ए नहीं है, बी ए है, कुछ बी ए है। यहाँ पे आपने देखा था कि ये सही हुआ था। इस वाले में पूरा का पूरा ए बी के बराबर है, तो इसमें भी ये नहीं फॉलो करेगा कि बी ए नहीं है, तो इन दोनों में छठवां स्टेटमेंट आपका कॉन्क्लूजन जो होगा वो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं सम ए इज नॉट बी, सम नॉट के केस में आते हैं, सम ए इज नॉट बी। यहां का इस डायग्राम में हम देखें पहले डायग्राम में, तो इसमें पूरा का पूरा ए बी है, तो ये जो बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते, तो
यहाँ पूरा ए बी है तो इसको गलत कर दे रहा है, तो इस डायग्राम में आपका ये वाला कॉन्क्लूजन गलत हो जा रहा है। और इस वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, मतलब जितना ए है उतना बी है, तो ये चांस तो बनता ही नहीं है कि ए कुछ ए बी ना हो। तो यहाँ पे सातवां इसमें भी गलत हो जा रहा है, तो ये कॉन्क्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सम बी इज नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। देखिए कुछ भी ए नहीं है जो आपका एट्थ कंक्लूजन है, आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, आपका एट्थ कंक्लूजन जो है वो इस डायग्राम में कि कुछ भी मतलब ये वाला पार्ट बी का, ठीक है, आपका बी का ये वाला पार्ट जो वो ए नहीं है, इसमें तो सही हो गया ठीक, मगर जब हम इसमें आएंगे सेकेंड वाले में, आपका एट्थ जो कंक्लूजन है कि कुछ भी ए नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा ए बी है और पूरा का पूरा बी ए है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि कुछ भी ए नहीं है, तो इसमें गलत हो गया। तो मैंने बोला था आपसे कि दो जो कॉन्क्लूजन आपके दोनों डायग्राम में सही होंगे वही कॉन्क्लूजन फॉलो करेगा फाइनली, तो हमारा इसमें ये गलत हो गया सेकेंड डायग्राम में, तो हमारा ये कॉन्क्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे इसमें कि जो आपका ये स्टेटमेंट है ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कहीं भी इसमें नेगेटिव नहीं है, और इसके जितने भी कॉन्क्लूजन फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव है। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जितने नेगेटिव कॉन्क्लूजन है वो कहीं नहीं बने हैं, इतने हमारे पास नेगेटिव कॉन्क्लूजन है। तो आपका जब भी स्टेटमेंट, एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जब भी आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और आपके कॉन्क्लूजन में कोई नेगेटिव चीज दिया हो, कोई नेगेटिव कॉन्क्लूजन दिया हो, वो कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है, उसे हमेशा वो गलत ही होगा, उसे डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक, कि जो भी आपके नेगेटिव कॉन्क्लूजन हो गया, अगर आपके पूरे के पूरे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कॉन्क्लूजन निकलेगा नहीं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका कोई भी नेगेटिव कॉन्क्लूजन नहीं है, इसके सभी क्या है, पॉजिटिव कॉन्क्लूजन है। चलिए सेम, अब हम ऑल के बारे में देख लिए, अब सम के बारे में आएंगे, स्टेटमेंट हमारा बदल जाएगा, सम ए आर बी हो जाएगा और डायग्राम भी उसी हिसाब से बदल जाएगा, मगर मैक्सिमम हमारा नंबर ऑफ कॉन्क्लूजन सेम रहेगा, ठीक, नंबर ऑफ कॉन्क्लूजन हमारा सेम रहेगा कि उसके हिसाब से स्टेटमेंट जो हमारा है कि सम के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ के बारे में, सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है, हमारा अभी भी जितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्क्लूजन है यही होंगे, ठीक है। अब इसे हम चेक करेंगे फिर से सम के डायग्राम को बना के, सम का कितने डायग्राम बन सकते हैं मैक्सिमम, चलिए वो देखते हैं, जितना तो अभी इसमें बोल रहा है पहले वैसे ही बनाते हैं कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है तो हमारा एक सिंपल डायग्राम बनेगा, ये ए हो गया और इसका कुछ पार्ट बी बना देते हैं, और इसी को कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम और बेसिक डायग्राम, ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम और बेसिक डायग्राम। तो ये हमारा एक बेसिक डायग्राम हो गया, जितना आपको क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट बोला उतना बना दिए, और इसके क्या पॉसिबिलिटी है सम ए आर बी, अभी इससे पहले हमने जब डिस्कस किया था तो जो ऑल के केस में सम के केस ट्रू हो रहे थे, मतलब जो ऑल का डायग्राम है, सभी का जो डायग्राम है वो भी इसका एक पॉसिबल हो सकता है कि ये बन जाएगा। देखिए जैसे और इसका एक डायग्राम बनेगा कि पूरा का पूरा ए बी हम कर दें, ये इसमें भी सम ए आर बी ट्रू होगा, और एक और डायग्राम होगा ए इक्वल टू बी, तो मैक्सिमम इसके इस स्टेटमेंट के तीन डायग्राम बन सकते हैं, तीन डायग्राम की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके हो गए मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जिसे हम दोनों को इन दोनों को एडजेसेंट डायग्राम कहेंगे, इस केस में हमारे पास ये दोनों एडजेसेंट डायग्राम होंगे, ठीक। अब फिर से हम इसी को पूरे कॉन्क्लूजन को इन सब डायग्राम में चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एग्जाम में जो करने का होगा वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे आप आसानी से कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों एक ही डायग्राम बनाओ, आप सिर्फ एक आपका जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा उस केस में आप सिर्फ बेसिक डायग्राम पे चेक कर लेना, अगर बेसिक में ट्रू है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन आपका बेसिक में ट्रू है बेसिक डायग्राम में तो वो ट्रू होगा,
अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये उसी पे अप्लाई होता है जो कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हो। जब आपके पास कंक्लूजन नेगेटिव आता है उसके लिए हमें एडजेसेंट डायग्राम की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरे डाउट आपके क्लियर करता चला जाऊंगा। अब आते हैं पहले इस पे कि सम के केस में इस स्टेटमेंट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन की आने की, उसको देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। चलिए पहला देखते हैं कि ऑल ए आर बी, ठीक, ऑल ए आर बी पहला कंक्लूजन। इसमें देखो पहला जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें क्या दिखा रहा है कि कुछ ए बी है, ना कि पूरा का पूरा ए बी है, तो इसमें तो गलत हो जाएगा। अगर किसी भी डायग्राम में हमारा गलत हो गया कोई भी कंक्लूजन तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसमें इस वाले डायग्राम में हमारा पहला कंक्लूजन सही होगा और इस वाले डायग्राम में भी हमारा पहला कंक्लूजन सही होगा, मगर इसमें गलत हो गया तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ऑल बी आर ए, फिर से ये दूसरा कंक्लूजन हमारा इस वाले डायग्राम में, क्योंकि यहां कुछ बी ए है तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में कि ऑल बी आर ए, तो ऑल आर ए तो है नहीं, ऑल ए आर बी है, तो ये गलत हो गया इस वाले में, मगर इस वाले में आपका दूसरा जो है वो सही हो गया, क्योंकि पूरा ए इक्वल टू बी है तो हम बोल सकते हैं कि ए है, ऑल बी आर ए। मगर जब दो में गलत चाहे एक में गलत तो आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला आते हैं सम ए आर बी, मतलब जो आपके स्टेटमेंट में दिया है वही कंक्लूजन हो जाए तो डायरेक्ट आप कह दो कि ये सही है, क्योंकि देखिए जब तीसरे में आएंगे तीसरा कि सम ए आर बी, हाँ सम ए आर बी है, देखो ये वाला पार्ट कुछ ए का बी में है, इसमें भी आएंगे कि पूरा का पूरा जब ए बी है तो आपका कुछ ए भी बी होगा, और इसमें भी ए इक्वल टू बी है, मतलब जितना ए है उतना ही बी है, तो इसमें कुछ ए भी बी होगा, मतलब इन तीनों डायग्राम में आपके कंक्लूजन फॉलो करेगा तो ये कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। अब आते हैं सम बी आर ए पे, तो देखिए सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा, तो इसमें भी फॉलो करेगा आपका, और इसमें भी फॉलो करेगा चौथा कंक्लूजन, और इसमें भी फॉलो करेगा, तो ये आपका कंक्लूजन ये भी फॉलो करेगा। अब नो वाले में आते हैं, बोला कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, और यहां पे देखिए इंटरसेक्शन है ए और बी पे, तो मतलब कुछ पार्ट तो ए का बी है ही, और इसके कहने का मतलब कोई भी एक भी अंश इसका बी नहीं होना चाहिए, मगर यहां पे है तो इसका मतलब पांचवा वाला इसमें गलत हो जा रहा है, और इसमें पूरा का पूरा ए बी है तो इसमें भी गलत हो जाएगा कि कोई भी ए बी नहीं है, और इसमें भी आपका गलत हो जाएगा, तो सब में गलत, तो ये आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल ये भी गलत हो जाएगा कंक्लूजन। और नो बी इज ए, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ भी ए है तो इसमें गलत हो जाएगा, और इसमें भी गलत हो जाएगा, और इसमें भी आपका गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल ये भी आपका कंक्लूजन जो होगा गलत होगा। सम ए इज नॉट बी, अब देखिए जब सम ए इज नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये वाला पार्ट कुछ पार्ट जो है ए का बी नहीं है, इतना ही पार्ट बी है, तो इस डायग्राम में सेवेंथ वाला हमारा ट्रू होगा। जैसे इसमें आएंगे तो इसमें देखेंगे पूरा का पूरा ए ही बी है, तो इसमें गलत हो जाएगा, इसमें सेवन गलत हो जाएगा, और इसमें भी आपका जो सेवन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना ए है उतना ही बी है, और ये बोला है कुछ ए बी नहीं है, ठीक। तो पहले वाले में सिर्फ सही होगा, बाकी दोनों में गलत हो गया, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये भी फिर से गलत हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए, पहले वाले डायग्राम में आपका सही होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बी का ए नहीं है, तो इसमें आपका सही होगा, मगर इस वाले पार्ट में आएंगे तो इसमें भी सही होगा, क्योंकि बी का ये पार्ट बाहरी वाला पार्ट ये भी ए नहीं है, तो एट इसमें भी सही होगा, मगर जैसे ही इस वाले डायग्राम में आएंगे जहां जितना ए है ए इक्वल टू बी वाले में आएंगे, वहां पे कुछ भी ए नहीं है, ये वाला आपका जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो एक में गलत हो गया तो ये आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर से हम यही देखें कि जो आपका अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके जब भी क्वेश्चन में पूरे के पूरे कथन आपके पॉजिटिव हो, ठीक है, और कंक्लूजन भी आपका पूरा का पूरा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव वाले को ही चेक करना कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं, नेगेटिव तो डायरेक्ट
कैंसिल मार देना कि ये तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा सम के केस में। अगला जो हमारा केस है वो है सम नॉट का केस। ठीक, सम नॉट मतलब कुछ ए बी नहीं है। इस टाइप का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सम ए और बी। अब लेते हैं सम नॉट, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब इसके डायग्राम को बनाते हैं और इसके नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉन्क्लूजन की जो पॉसिबिलिटी उसको चेक करते हैं कि कौन से कॉन्क्लूजन इससे निकल सकते हैं। ठीक, इसका डायग्राम क्या बन सकता है? इसमें बोला कि सम ए इज नॉट बी, जितना बोला उतना बनाते हैं पहले कि कुछ ए बी नहीं है। देखो इस वाले डायग्राम में आपको दर्शाया जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, जैसे कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ठीक, और इसी का उल्टा बोले कि सम बी इज नॉट ए, तो ये वाला पार्ट। अब और कौन सा इसका डायग्राम हो सकता है? एक डायग्राम ये हो सकता है कि अगर कोई भी ए आपका बी ना हो, मतलब ए और बी में एकदम नो का रिलेशन हो, कोई भी ए आपका एक भी अंश ए का बी ना हो, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ए भी बी नहीं होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके दो पॉसिबल डायग्राम बनेंगे, सम ए इज नॉट बी और सम बी इज नॉट ए के। अब इसको ये पूरे कॉन्क्लूजन इसके बेसिस पे, इन दोनों डायग्राम के बेसिस पे चेक करते हैं कि कौन सा हमारा निकलेगा कॉन्क्लूजन और कौन सा नहीं निकलेगा। ऑल ए आर बी, ये तो कभी नहीं निकल सकता क्योंकि देखो इसमें सम का केस है और इसमें डायरेक्ट नो का केस है, तो इन दोनों में ये गलत हो जाएगा। ऑल बी आर ए भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। इसमें देखें कि हाँ, जो कॉन्क्लूजन आपका नंबर तीन है इसमें बोला कि कुछ ए बी है, इस वाले डायग्राम में आपका सही हो रहा है, मगर जैसे इस डायग्राम में देखें तीन को कि सम ए आर बी, तो यहां दिख रहा है कि पूरा का पूरा ए बी नहीं है, ए और बी में नो का रिलेशन है, तो इसमें गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए कॉन्क्लूजन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है सम बी आर ए, कुछ बी ए है, इस वाले में आपका सही होगा, मगर जैसे इस वाले में आएंगे ए और बी में नो का रिलेशन है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये कॉन्क्लूजन आपका गलत हो जाएगा। अब आए नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो इस वाले में आपका कुछ ए बी है, इसलिए ये बोला कि कोई ए बी नहीं है, तो यहां गलत होगा और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी नहीं है, ए और बी में नो का रिलेशन है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि एक वाले डायग्राम में हमारा ये गलत हो चुका है। नेक्स्ट है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो इस वाले में आपका फर्स्ट जो डायग्राम बनाया है आपका, इसमें कोई भी बी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ बी ए है, तो इसमें गलत हो जाएगा और इसमें आपका सही हो जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। किसी भी कॉन्क्लूजन को सही होने के लिए दोनों डायग्राम में सही होना जरूरी है। अब आते हैं सम ए इज नॉट बी, मतलब जो स्टेटमेंट में वही आपके कॉन्क्लूजन में हो तो वो सही होगा। सम ए इज नॉट बी, यहाँ पे भी देखो सही है कि कुछ ए बी नहीं है, और इसमें भी जब पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होगा, तो ये दोनों में सही, तो ये कॉन्क्लूजन सही होगा। और सम बी इज नॉट ए, इसमें आते हैं कि सम बी इज नॉट ए, मतलब इसमें भी सही है और इस वाले में भी कि ए बी नहीं है और बी ए नहीं है, तो इसमें भी सही हो जाएगा, तो ये कॉन्क्लूजन सही होगा। तो सम नॉट के केस में देखें कि इसके कौन से कॉन्क्लूजन फॉलो हो रहे हैं, तो सम नॉट मतलब एक तो ये निगेटिव कॉन्क्लूजन है, सॉरी निगेटिव स्टेटमेंट है, आपका जो कथन दिया है वो निगेटिव है, तो इसके जो कॉन्क्लूजन आपके निकले, आप देख रहे हो एनालिसिस में कि इसके जो कॉन्क्लूजन निकले हैं वो आपके सम नॉट से रिलेटेड ही निगेटिव वाला निकला है, मतलब ना ही पॉजिटिव निकला और ना ही नो का पूरा कॉन्क्लूजन निकला। मतलब जब भी आपका सम नॉट का केस आए तो उसके जो कॉन्क्लूजन निकलेंगे वो सम नॉट से रिलेटेड ही निकलेंगे, वो सम नॉट का यही दो आपके कॉन्क्लूजन जो है फॉलो करेंगे, बाकी आपका कोई कॉन्क्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं लास्ट में आपका जो बचता है चौथा नो का केस, मतलब कोई नहीं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं कि उससे नंबर ऑफ आपके कितने कॉन्क्लूजन आते हैं। ठीक, अगला है हमारा नो का केस, नो ए इज बी।
स्टेटमेंट है आपका, कथन है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका एक सिंगल सा एक ही डायग्राम बनेगा आपका, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है 100% कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक, ये आपके दोनों लोग झगड़ा कर चुके हैं और इनके बीच में कोई अब रिलेशन नहीं है, अब जो भी रिलेशन था इनका टूट चुका है। अब आते हैं इससे कि अब अगर रिलेशन टूट चुका है तो अब इनके इनसे कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा, मतलब क्या ये अब कभी रिश्ता बना पाएंगे या फिर से ये बिछड़े ही बिछड़े रह जाएंगे, उसी हिसाब से कॉन्क्लूजन हम देखते हैं कि या इसका कॉन्क्लूजन क्या क्या निकल सकता है। अब यहां पे देखें कि ऑल ए आर बी, साफ साफ दिख रहा है दोनों तरफ तीर है कि भैया तुम इधर आओगे तो हम खोज देंगे और तुम इधर आओगे तो हम खोज देंगे। ठीक है, तो इसमें कभी हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा ए आपका बी हो जाए। ठीक है, तो ये आपके जितने हैं पॉजिटिव कॉन्क्लूजन, एक बात दिमाग में याद रखो कि ये तो होंगे ही नहीं, मतलब अब इनका रिलेशन नहीं हो सकता चाहे कितने भी मिलान करा लो। ठीक, तो जितने भी आपका अगर निगेटिव आपके स्टेटमेंट दिया है तो उसका पॉजिटिव कॉन्क्लूजन कभी भी नहीं डिराइव हो सकता, मतलब आपका पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं आ सकता, तो जितने पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले ही क्रॉस कर दो। ठीक, ना ही आपका ऑल ए आर बी होगा, ना ही आपका बी पूरा का पूरा बी ए होगा, सम ए आर बी, यहां साफ साफ दिख रहा है कि कोई ए बी नहीं है तो सम के होने की भी चांसेस नहीं है, ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। अब आते हैं हम नो ए इज बी, जो आपके स्टेटमेंट में दिया है सेम आपका कॉन्क्लूजन हो वो तो ट्रू होगा ही भाई। ठीक, वो बोला ये भी बोला स्टेटमेंट में कि कोई भी ए बी नहीं है और कॉन्क्लूजन में भी दे दिया कि हाँ कोई भी ए बी नहीं है चाहे कोई भी बी ए नहीं है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, और जहां आपसे बोले कि सम ए इज नॉट बी, इससे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया डायग्राम सम नॉट के केस का, उसमें आप दो डायग्राम देखे थे, एक ये देखे थे और एक और देखे थे जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसमें भी सम नॉट का केस ट्रू होता था। तो आप देखे थे कि इसमें सम नॉट जो होता है ट्रू होता है, क्यों? क्योंकि जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा कि कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ ए बी कुछ बी भी ए नहीं होगा। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशन आपका नहीं है तो आपका पॉजिटिव कॉन्क्लूजन कभी भी नहीं आएगा। इतने जो पॉजिटिव थे आपके ये कभी नहीं आएगा, इसके नेगेटिव कॉन्क्लूजन ही बनेंगे। ठीक, तो नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो उसका पॉजिटिव तो कभी भी कॉन्क्लूजन नहीं होगा। तो जब भी आपके स्टेटमेंट में आपके कथन में नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हो पूरा का पूरा और कॉन्क्लूजन में पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव वाला पहले गलत मार देना और नेगेटिव वाले को चेक कर लेना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपके स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा बेसिक स्टेटमेंट के बारे में, जितने चारों टाइप के होते हैं और उनके डायग्राम, उनसे नंबर ऑफ कितने कॉन्क्लूजन निकल सकते हैं और कैसे निकाले जा सकते हैं और कैसे कॉन्क्लूजन को चेक करते हैं कि कोई कॉन्क्लूजन कहाँ ट्रू होता है कहाँ फॉल्स होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे करेंगे। ठीक, आप ये नहीं कि तीन चार डायग्राम बना लो, तीनों चार में कॉन्क्लूजन चेक करते रह जाओ तो चार क्वेश्चन करने में ही आपके पूरी रीजनिंग खत्म हो गई, उसके बाद से कहोगे सर रीजनिंग में सिर्फ 10 क्वेश्चन हो पाए हमसे एग्जाम में। ठीक, तो आपको एग्जाम व्यू से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, चलिए अब आते हैं। एक क्वेश्चन नोट कराते हैं आप लोगों को, नोट करिए। क्वेश्चन आपसे ये है, बेसिक सा एक क्वेश्चन है, सम सॉरी ऑल बी आर सी ऑल सी आर डी, जब आपके सभी ऑल के स्टेटमेंट दिए हो और इसके कॉन्क्लूजन आपके कुछ निकल रहे हो ऐसे कि सम सी आर डी ऑल डी आर ए ऑल डी आर बी सम सम डी आर सम बी आर डी सम सी आर डी ऑल
ऑल ए आर डी। ठीक, आपके इतने कॉन्क्लूजन निकल गए हों। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे पहले आप अगर अभी तक तो एक स्टेटमेंट दिया था उसके डायग्राम बनाए थे, जब आपके साथ दो तीन स्टेटमेंट आ जाएं तो उसके डायग्राम कैसे बनाओगे और उसके कॉन्क्लूजन कैसे निकालोगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक, तो आपको मेलिंग करना क्या है कि जब भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन हो, जितना स्टेटमेंट में कथन में बोला जाए उतने एक ही वेन डायग्राम बनाना है, अलग से आपको सोचना नहीं है। तो उतने का वेन डायग्राम बनाएंगे, वही हमारा एक बेसिक डायग्राम होता है, और मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम उसी को बोलते हैं। बोला है इसमें ऑल ए आर बी, तो पूरा का पूरा ए क्या आपका बी है। अगला स्टेटमेंट बोला है कि ऑल बी आर सी, मतलब जो पूरा पूरा बी है आपका वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नेक्स्ट बोला है कि ऑल सी आर डी, तो आपका ये कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेगा। ठीक है, ऑल सी आर डी, आपका ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल गया, और आपसे इससे पूछ रहा है कि ये आपका यही डायग्राम है और इससे कॉन्क्लूजन को निकालना है। तो आपको बस इसी पे देखना है कि अगर ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे पॉजिटिव हैं तो आपको इस डायग्राम को सिर्फ इसी पे चेक करना है, जो आपके बेसिक डायग्राम बनेगा इस पे सही हुआ ये तो सही, अगर गलत हुआ तो गलत, जब तक इस कॉन्क्लूजन में कोई निगेटिव नहीं शामिल हो जाता है। ठीक, जब नेगेटिव शामिल होगा तब इसके एडजेसेंट की बात करेंगे कि और सर इसका और कौन सा डायग्राम बन सकता है। तो इसका एक और डायग्राम बनेगा, वो होगा आपका कि पूरा का पूरा ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू डी, मतलब चारों सर्किल एक ही पे कॉन्साइड कर रही हो, तो ये आपका मैक्सिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनेगा। तो इस पे आप चेक कर सकते हो कि वो वाला कॉन्क्लूजन आपका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर जब भी आपके पास कॉन्क्लूजन में पॉजिटिव हो तो सिर्फ आप बेसिक पे चेक करो। ठीक, बाकी नेगेटिव वाला मैं आपसे कराऊंगा, बहुत पेचीदा होता है, उसको एक बार आप समझ जाओगे तो उसके बाद से अभ्यास करते रहोगे तो क्वेश्चन आपको आराम से नेगेटिव और सम नॉट के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले इसे देखते हैं, बोला इसमें सम सी आर डी, कुछ सी डी है। हमने अभी देखा था पहला जो कराया था आपको स्टेटमेंट ऑल का, ऑल में सम के जो केसेस होते हैं वो ट्रू होते हैं। ठीक है, ऑल के स्टेटमेंट सम के जो केसेस होते हैं, कॉन्क्लूजन होते हैं, वो ट्रू होते हैं। तो इस हिसाब से भी आप सोच के मार सकते हो कि सम सी आर डी बोल रहा है, मतलब कुछ सी डी है, यहां देख रहे हो कि पूरा का पूरा सी के आर डी है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट बोला ऑल डी आर ए, कि पूरा का पूरा डी ए होगा। अब पूरा का पूरा डी लास्ट बाउंड्री आपकी डी है और बोला है कि पूरा का पूरा डी ए होगा, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। पूरा का पूरा ए डी हो सकता है, ना कि पूरा का पूरा डी ए हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला हम देखें ऑल डी आर बी, तो यहां देखो कि पूरा का पूरा बी सी है और पूरा का पूरा सी डी है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा बी हमारा क्या है, डी हो सकता है, ना कि पूरा डी बी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला सम बी आर डी, हाँ कुछ बी हमारे डी होंगे क्योंकि पूरा का पूरा बी डी है, तो कुछ बी हमारा डी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। सम सी आर डी, ये भी सही होगा। और ऑल ए आर डी बोल रहा है, तो पूरा का पूरा ए बी है और पूरा का पूरा बी सी है और पूरा का पूरा सी डी है, तो हमारा ऑल ए भी डी होगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। इससे मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं कि जब भी आपके वेन डायग्राम में इस टाइप का डायग्राम मिल जाए कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहे हो, तो एक फंडा याद रखिए आप कि इनसे आउट जाना डायग्राम में, इन साइड से आउटसाइड जाना, और एक हो जाएगा आउटसाइड से इनसाइड आना। उसमें अगर कोई कॉन्क्लूजन आपका, यहां लिख लीजिए कॉन्क्लूजन, कोई कॉन्क्लूजन ऑल का है, ठीक, और इनसाइड से मतलब यहां से जैसे ए से डी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक, और कॉन्क्लूजन ऑल का है और आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, मतलब जैसे बोले कि ऑल डी आर ए, ऑल डी आर सी, ऑल डी आर बी, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका गलत होगा। सम का केस ले लें, कॉन्क्लूजन आपका सम है
और इनसाइड से आउटसाइड जाए तो ये ट्रू होगा, और आउटसाइड से इनसाइड आए तो ट्रू होगा। मतलब ये आया कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपका बन रहा है किसी वेन डायग्राम में स्टेटमेंट से, तो उसमें सम का केस हमेशा आपका सही होगा, ऑल का केस इनसाइड से आउटसाइड सही होगा, और आउटसाइड से इनसाइड गलत होगा। अगला हम देखें सम नॉट के केस में आ जाए। सम नॉट अगर यहां से आउटसाइड जाए तो इसमें आपके क्या होगा, गलत होगा, मगर आउटसाइड से इनसाइड आएंगे तो सही होगा। ठीक, उसके बाद नो का केस देखें, तो नो का कि कोई भी ए बी नहीं होना चाहिए, यहां पे पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा बी सी है, तो इसमें चाहे इनसाइड से आउटसाइड जाओ चाहे आउटसाइड से इनसाइड जाओ, पूरे के पूरे आपके जाओगे वो गलत होंगे। और ये सम नॉट पे भी आपका जब कुछ पूरा का पूरा ए डी नहीं होगा तो कुछ ए भी आपके जो है डी नहीं होंगे, तो यहां पे आपके जो होगा इस वाले केस में भी सम नॉट का केस, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन हमारा याद रखना कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देता है, तो इसलिए सम नॉट का जो केस होगा ये भी आपका वो वाले कंक्लूजन तो कोई आ ही नहीं सकता है, फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक, तो ये हमारा एक तरह से हो गया कि अगर आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है तो ऑल के केस इनसाइड से आउटसाइड ट्रू होते हैं, आउटसाइड से इनसाइड आपके फॉल्स होते हैं, और सम जो होता है दोनों में ट्रू होता है। चलिए अगला एक एग्जांपल देखते हैं आपसे, जिसमें सम और ऑल के स्टेटमेंट को मिला के बनाएंगे। नोट कर लीजिएगा, ये भी एक बेसिक सा एग्जांपल है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, नो डी एस ई। ठीक है, अब इसमें तीन जो आपके पॉजिटिव है और एक आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है। कॉन्क्लूजन इससे बनेगा आपका कि सम डी आर ए ऑल सी आर ए सम सी सम डी आर सी नो डी एस सी और सम डी एस ई नो आपके इतने कॉन्क्लूजन बन गए इससे। अब हम डायग्राम को बनाएंगे और चेक करेंगे कौन सा कॉन्क्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं। इसमें नेगेटिव भी है और कॉन्क्लूजन में भी नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, तो हम चेक करते हैं जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अगर इसमें पूरे के पूरे पॉजिटिव हो जाते और नेगेटिव कंक्लूजन, तो हम पहले ही गलत कर देते। अगर ये हमारे पास नहीं होता और दो नेगेटिव पूछे होते तो इन दोनों को हम पहले ही फॉल्स कर देते। ठीक, अब अगर दिया है तो उसे कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी, ठीक, उसके बाद ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, कुछ सी डी है तो हम सिर्फ सी पे ही इंटरसेक्ट कराएंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा इंटरसेक्ट करा दे। कुछ सी ही डी है और बोला कि नो डी इज ई, कि कोई भी डी ई नहीं है, मतलब डी और ई के बीच में आपका नो का रिलेशन है। ठीक है, तो इनके बीच में नो का रिलेशन है। अब आते हैं कॉन्क्लूजन को चेक करते हैं। पहला बोला है कि सम डी आर ए, कुछ डी ए है। इसमें देखो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो हम बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे, हमारा बेसिक यही डायग्राम है कि बोला है सम डी आर ए, तो डी सिर्फ सी है ना कि ए पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल सी आर ए, पूरा का पूरा सी ए है। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल आउटसाइड से इनसाइड, ऑल का केस क्या होता है, गलत होता है। सम डी आर सी, कुछ डी सी है, यहाँ पे देख रहे हो, हाँ कुछ डी सी है। नो डी इज सी, देखो इसमें बोला कि कोई भी डी सी नहीं है, और यहां पे तुमने क्या किया है कि डी जो है इसमें सी थोड़ा सा इंटरसेक्ट है, और यहां बोला है, इसके कहने का मतलब कि कोई भी डी सी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक,
और यहां आते हैं कि सम डी इज ई, कुछ डी ई है, और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी डी ई नहीं है, तो कुछ डी ई हो ही नहीं सकता। और यहां दिख रहा बोला आपका नो डी इज ई, मतलब जो आपके स्टेटमेंट में दिया वही आपसे कह दिया, तो ये क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आपके जो स्टेटमेंट आपके कंक्लूजन जो फॉलो करेगा, एक सम डी आर सी और एक नो डी इज ई, ये फॉलो करेगा। और अगर इसमें आपका होता कि नो, ठीक, नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं हो सकता। यहां जब आपसे बोला कि कोई भी डी ए नहीं हो सकता, इस वाले डायग्राम में आप जब देखोगे नो डी इज ए, तो दिख रहा है कि हाँ ए और डी में कोई रिलेशन नहीं है अभी। तब हम क्या करते हैं कि जब आपका अभी तो जैसा था कि पॉजिटिव था, तो इस बेसिक डायग्राम में चेक कर लें। जब हम नेगेटिव वाले में आएंगे, जैसे हमारे पास नेगेटिव ये भी था कि नो डी इज सी, मगर यहां पे देख रहे थे कि डी सी बन रहा है, इसलिए गलत हो गया। अब यहां जब देखें कि नो डी इज ए, इस बेसिक डायग्राम में ट्रू हो गया कि ए और डी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डी ए नहीं हो सकता। तब हम डी को ए बनाएंगे। तो जैसे हम एक डायग्राम बना रहे हैं आपको सामने, ये रहा ए, पूरा का पूरा बी है और ये पूरा सी है। तो जो ये बोल रहा है कि नो डी इज ए, तो हम पूरे के पूरे डी को कुछ भी पार्ट जो ए का पार्ट है, क्योंकि इसके कहने का मतलब कोई भी डी ए नहीं बन सकता, तो हम थोड़ा सा भी पार्ट डी का ए बनाएंगे। ठीक है, ये डी का ए बना दिए और कोई भी डी हमारा ई नहीं है, ये बना दिए। अब ये एक तरह से इसका एक अल्टरनेट डायग्राम हो गया चेक करने के लिए कि क्या ये इस डायग्राम में ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम इसे चेक करेंगे तो देखो सम डी आर ए, तो इसमें आपका वो हो गया था कि पूरा आपका सम डी आर ए इसमें नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें अगर गलत हो गया और इसमें फॉलो कर रहा है तो आपका कंक्लूजन गलत ही होगा। करने का मतलब कि दोनों में फॉलो होना चाहिए। अब इसमें आओ, नो डी इज ए, नो डी इज ए, दो डायग्राम है आपका, पहला ये और सेकेंड ये। नो डी इज ए में, इसमें तो आपका दिख रहा है कि हाँ नो डी इज ए सही है इस वाले में, मगर जो मैंने इसमें जबरदस्ती करके बनाया है कि डी को ए बना दें, तो इस वाले में दिख रहा है कि आपका डी ए बन गया है, तो इसमें इस वाले डायग्राम में आपका गलत हो जा रहा है और ये कह रहा है कि कोई भी डी ए नहीं हो रहा है। तो इन दोनों डायग्राम में जब तक कोई कंक्लूजन सही नहीं होता तो वो सही नहीं होता है। तो ये जब हम डायग्राम बनाएंगे, आपका पहला मोटो ये होना चाहिए कि आपके जब भी नो का कंक्लूजन मिले और जो चीज बोले कि ये चीज नहीं होना चाहिए, बोला कि नो डी इज ए, तो आप जबरदस्ती कुछ पार्ट उसका डी का ए बना दो। बनाने के बाद डायग्राम हूबहू जैसे है वैसे कर दो कि पूरा का पूरा ए बी है और पूरा का पूरा बी सी है, और ये चीज इंटरसेक्ट करा दो डी से ए का थोड़ा सा, अब कोई भी डी ई नहीं है। उसके बाद से इस डायग्राम को आप स्टेटमेंट पे चेक करो। स्टेटमेंट पे चेक ये करना है कि ये डायग्राम आपका स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है, पहले स्टेटमेंट को फॉलो किया। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी ये भी फॉलो कर रहा है। सम सी आर डी, सम सी आर डी, देखो इसमें ये वाला पार्ट सम सी आर डी ये भी फॉलो कर रहा है। नो डी इज ई, नो डी इज ई ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये डायग्राम इसको फॉलो कर रहा है और साथ ही साथ डी के साथ ए का रिलेशन भी बन जा रहा है। और यहां कंक्लूजन में बोला है कि डी का ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए, मगर यहां रिलेशन बन गया, तो जब बन गया तो ये क्या चीज क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। ठीक, हमके इसकी जरूरत एडजेसेंट डायग्राम की जरूरत तभी बनेगी जब आपका कंक्लूजन निगेटिव होगा। आगे हम और करेंगे एग्जाम्पल ताकि आपके जितने इस पे नो से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके।